जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि रेशम क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यही मिलेगी आपको सारी अपडेट। आज के इस वीडियो में इग्नू की तरफ से बहुत सारी अपडेट आई है, नोटिफिकेशन उसके बारे में आपको पता चलेगा। और जी हाँ, परीक्षा विभाग की तरफ से दिसंबर एग्जामिनेशंस को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह जरूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो इग्नू के हर एक कैंडिडेट ने पूछा है, उन सारे कैंडिडेट के सवालों का भी जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए पूरे वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इग्नू की तरफ से जो अपडेट आई है आपके रिजल्ट की। जी हाँ, जून एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आ चुकी है। यहाँ पे जून एग्जामिनेशंस को लेकर बात करें तो आपके रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। 18 अक्टूबर तक के सारे रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आप अपने रिजल्ट को जरूर चेक कीजिए। अगर आपका पेपर बैक आया है, यानी कि आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो उसके लिए इग्नू ने अभी अभी जस्ट अनाउंसमेंट की है री इवेल्यूएशंस, यानी कि फिर से एक बार आप अपनी मूल्यांकन को करा सकते हैं, रीचेक करवा सकते हैं। इसके लिए इग्नू ने यहाँ पे जून 2021 के कैंडिडेट के लिए कह दिया है कि आप अपने लिए अपना री इवेल्यूएशन और आंसर के कॉपी को ले सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। और जी हाँ, और एक बात आप सबके लिए बता दूँ कि जो भी एग्जामिनेशंस आपकी MCQ टाइप हुई है या फिर OMR शीट पर हुई है, उनकी यहाँ पर कोई भी रीचेकिंग नहीं होगी। इसी के साथ आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप के असाइनमेंट्स और लैब टास्क के जितने भी या फिर वर्कशॉप असाइनमेंट्स हैं और सेमिनार के, कोई भी यहाँ पे री इवेल्यूएशन प्रोसेस नहीं होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं, उसके बाद आपको री इवेल्यूएशन या फिर आपके आंसर की कॉपी आपको दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस है, अभी आप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर से। यहाँ पर री इवेल्यूएशन दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए भी हो रहे हैं। जो भी कैंडिडेट दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन दिए थे, वो चाहते हैं पुनः चेकिंग कराने, फिर से रीचेक करवाने, तो आप करवा सकते हैं। इसके लिए भी प्रोसेस सेम टू सेम है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेश एडमिशन की बात करें तो UG और PG की फ्रेश एडमिशन जुलाई सेशन के लिए 25 अक्टूबर तक चल रही है, 25 अक्टूबर जुलाई 2021 तक। अब चलिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो इग्नू के हर एक कैंडिडेट के मन में है, दिसंबर परीक्षा फॉर्म कब तक आएगी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देती हूँ। तो दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म, आप सबको बता दूँ कि ये एग्जामिनेशन फॉर्म अभी अक्टूबर में नहीं रिलीज़ होगी। अक्टूबर में नहीं, ये फॉर्म आपको नवंबर में रिलीज़ होगी। नवंबर की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन फॉर्म जून एग्जामिनेशन फॉर्म है, लेकिन ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म ऐसे ही रहने वाले हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की और बात करते हैं। यहाँ पे जो अगला सवाल है, परीक्षा फॉर्म कौन से विद्यार्थियों को भरना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। वो सारे कैंडिडेट जो जनवरी सेशन में एडमिशन कराते हैं, वो अपने एग्जामिनेशन दिसंबर को देते हैं। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट और इस दिसंबर एग्जामिनेशन में इंक्लूड होने जा रहे हैं। जो कैंडिडेट जून में एग्जामिनेशन में नहीं बैठे या फिर जून में एग्जामिनेशन जिनका नहीं हुआ है, उनका एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट की प्रमोशन की भी बात है कि प्रमोशन अगर हमारी होगी तो फिर हम एग्जामिनेशन कैसे देंगे। तो चलिए इसका भी कन्फ्यूज़न हम दूर करते हैं। यहाँ पर आप सबको बता दूँ कि UGC के नोटिस के अकॉर्डिंग कह दिया गया है कि सभी कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया जाए। यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशंस की इस पैराग्राफ में आप देखिए, ये नोटिस आप देख सकते हैं, ये नोटिस ऑफिशियली दी गई है UGC की तरफ से। यहाँ पे ये कह दिया गया है कि सिर्फ जो है फाइनल सेमेस्टर और फाइनल टर्मिनल एग्जामिनेशंस के कैंडिडेट का ही यहाँ पर एग्ज़ाम होना चाहिए था अगस्त तक, जो एग्जामिनेशंस हुई, लेकिन बाकी कैंडिडेट की एग्जामिनेशंस नहीं ले जानी है, ऐसा कह दिया गया है इग्नू की तरफ से कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है वो सबका इवेल्यूएशंस यानी कि मूल्यांकन 2020 में जिस तरह मूल्यांकन हुआ था उसके अकॉर्डिंग कर दिया जाए। अब इतने सीधे साफ शब्दों में UGC की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया है। अब इग्नू अगर इसमें से गलती करते हैं या फिर आप सबको प्रमोशन नहीं मिलती है, तो ये पूरी की पूरी तरह यूनिवर्सिटी की गलती होगी और गलती होगी सारे स्टूडेंट्स की। क्योंकि अगर आप डिमांड नहीं रखोगे, फाइट नहीं करोगे खुद के लिए, तो आपको आपका हक मिलने वाला भी नहीं है।
इस नोटिस के अकॉर्डिंग देश भर के सारी यूनिवर्सिटीज़ को बात माननी पड़ी और उन्होंने इसी नोटिस के अकॉर्डिंग सिर्फ फाइनल ईयर के कैंडिडेट की ही परीक्षा ली है। आगे क्या होता है लेट्स सी, बट एग्जामिनेशंस आपके दिसंबर में होने जा रहे हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कब तक आएगा दिसंबर परीक्षा फॉर्म? तो दिसंबर परीक्षा फॉर्म नवंबर को ही रिलीज होती है। आपको टाइम दिया जाएगा पूरे 1.5 महीने का, आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा की फॉर्म की फ़ीस क्या होगी? फीस देखिए, इग्नू ने पिछले बार से इस बार फ़ी बढ़ाई है। इग्नू ने 50 रुपये बढ़ाए हैं। पिछले बार यानी कि अब तक के 150 रुपये लिए जाते थे पर कोर्स के हिसाब से, बट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ 2021 200 रुपये पर कोर्स के हिसाब से आपको लिए जाएंगे। तो अब आपको 200 रुपये ही फ़ी देनी पड़ेगी। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या प्रमोट होने वाली विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरना ज़रूरी है? जो कैंडिडेट प्रमोट होने वाले हैं, अब ये आप कैसे जानते हो कि आप प्रमोट होने वाले हो या नहीं? यानी कि इंटरमीडिएट कैंडिडेट, कहने का मतलब जिनका प्रथम वर्ष है या द्वितीय वर्ष है, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट नहीं है। तो जी हाँ, सबको परीक्षा फॉर्म भरना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मतलब यही होता है कि आप परीक्षा में बैठना चाहते थे, अपीयर होना चाहते थे। अगर आप फॉर्म भरते ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, प्रमोशन जो है एकेडमिक सेशन के हिसाब से होगी, लेकिन आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है। आपका फ़ी कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपका फ़ी जो है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा, जैसे कि अभी तक होता आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो विद्यार्थी जून परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके वो क्या करें? तो वो दिसंबर की परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो कैंडिडेट जून की एग्जामिनेशन में यानी अगस्त 2021 में फेल हो चुके हैं, उनके कम मार्क्स आया है, वो भी एग्जामिनेशंस दे सकते हैं दिसंबर एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7, क्या वो सितंबर परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं जो जून 2021 परीक्षा में कब होगी? तो सॉरी, यहाँ पे सितंबर नहीं, जो दिसंबर, क्या वो दिसंबर परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं जो जून की परीक्षा में नहीं हुई? और जून की परीक्षा कब होगी? तो जून की परीक्षा दिसंबर को ही होगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। साथ में एग्जामिनेशंस होंगे। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स को लेकर। असाइनमेंट सबमिशंस की तारीख जो है 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कीजिए, एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए। आपको कोई भी इशू हो, कमेंट सेक्शन में हमारा नंबर है, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आई होप सो आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।